अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेडीज़ फेरन लेके आया हूँ। आज हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले हमें रात के लिए लेंथ रखना है और इसे पहले काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले हमें दो पल्ली निकालना है जो फ्रंट साइड में और बैक साइड में होता है। पहले हम इसे माउल काट लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें दो पल्ली निकालना है पहले, जो 15 इंच होता है। ये देखिए दोस्तों, फिर हम इसे बराबर करेंगे और दोनों काट लेंगे। अब हमें ये दोनों पहले हमें सीधा मार्क करना है। अब हम इसे दोनों अलग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसे लेंथ के मार्क रखेंगे। उसका लेंथ है 42 इंच। ये देखिए दोस्तों, अब हमें तुरपाई के लिए 3 इंच रखना है और फॉल तो फिर बाद में काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसे काट लेंगे, दोनों अलग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें फालतू काट लेना है। अब हमें इसे नाप लेना है, वो पूरा कितना लंबित आ रहा है, फिर वही हमें 4 कलिया पीस के लिए रखना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमें 4 कलिया पीस निकालना है। पहले हम इसे माउल काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें उसे पहले नाप लेना है, बराबर है कि नहीं, और पहले हम इसे 9 इंच छोड़कर उसे हम अब लेंथ रखेंगे, जो रात में होता है वही इसे भी रखेंगे, फिर फालतू काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऊपर साइड हमें 2.5 इंच या 2 इंच कम रखना होता है, या 2.25 इंच रख सकते हैं कम। ये देखिए दोस्तों, उसे आप चौड़ाई का नाप लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका चौड़ाई है 53 इंच उसका चौड़ाई है, और ऊपर से हमें 2.5 इंच कम रखना है, जो हमें ये देखिए दोस्तों 2.5 इंच कम रखेंगे उसे और काट लेंगे। 4 क्लियर पीस हमें सेम काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब ये हमें 4 क्लियर पीस सेम काटना है।
ये देखिए दोस्तों, ये हम पहले कसवट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद 2.5 इंच और उसके बाद 6 इंच जेब के लिए रखते हैं। ये देखिए ये चाक हम रखेंगे 7 इंच तक, हम इसे रख सकते हैं 7.5-8 इंच तक रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमें बाजू का लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमें 18 इंच दोनों से काट लेना है। ये देखिए दोस्तों, उसका लंबाई है 20 इंच। ये देखिए दोस्तों, 20 इंच इसका लंबाई है। और 2.5 इंच या 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड के लिए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको भी करना है सेम। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको भी करना है सेम, वही जो मैं कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमें कसपट्टी काटना है। हमें कसपट्टी 6 इंच रखना है, 6 6 हो गया 12 इंच, हमें टोटल पीस निकालना है। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ ये बराबर होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 6 इंच हमें रखना है। लेडीज़ फिंगर के 6 इंच ही रखते हैं, जेंट्स फिंगर के लिए 7 इंच रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बराबर कर लेना है। ये हो गया जी। ये देखिए दोस्तों, कैसे इसे रखना है फिर बाद में। ये देखिए दोस्तों, फेरन साल काटना है, सबसे आसान तरीका। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे फिर बाद में खर्ची पट्टी के लिए रखेंगे।